सूर्य ग्रहण के समापन के बाद कौन कौन से करने हैं काम, बुरे प्रभाव हो जाए खत्म। साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण अब लग चुका है। आज रात के 9:13 से सूर्य ग्रहण लग चुका है। ये सूर्य ग्रहण अब तकरीबन 6 घंटे बाद समाप्त होगा। इसके समापन का समय तड़के 3:17 पर है। ऐसे में अब सूर्य ग्रहण के दौरान के नियमों का पालन आपको करना होगा। पर क्या सूर्य ग्रहण के समाप्त हो जाने के बाद कोई ऐसे नियम कानून है जिनको करना जरूरी है, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ हम आपको ज्योतिष के मुताबिक ये बताने जा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद तो और भी कई काम है जिनको करना निहायत जरूरी है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तब अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सूर्य ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए ताकि इसके बुरे प्रभाव जो कि सूर्य ग्रहण के समय पूरे वातावरण में फैल जाती है उससे बच सके। तो चलिए ज्योतिष के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं सूर्य ग्रहण के बाद क्या क्या करने जरूरी है। सूर्य ग्रहण खत्म हो जाने के बाद सबसे पहले तो स्नान करना चाहिए। नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लेना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आपने उसमें तिल मिला लिया तो काम और भी पुख्ता हो जाएगा। नहा लेने के बाद आपको धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ग्रहण के वक्त जो भी कपड़े आपने पहने थे उसको पूरी तरह से अलग रख दें और बाद में उसे अच्छी तरह से धो लें। वहीं अगर आप जनेऊ पहनते हैं तो उसे बदल कर नया जनेऊ पहन लें। सूर्य ग्रहण के बाद वस्तुओं को दान करना ज्योतिष में बताया गया है। जब आपने अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है उसके तुरंत बाद दान करें। दान में गेहूं, लाल कपड़े, तांबा वगैरह देनी चाहिए। इन चीजों के दान करने के लिए इसलिए बताया गया है क्योंकि ये माना जाता है कि सूर्य देव को ये सभी चीजें प्रिय हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना नहीं चाहिए, ऐसे में जब आपको स्नान दान के बाद खाने की इच्छा हो रही हो तो सबसे पहले तिल खाना चाहिए। इससे सूतक का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसके बारे में भगवत पुराण में भी लिखा हुआ है। यहाँ बता दें कि आप तिल से बनी मिठाई या फिर तिल से बनी कोई भी वस्तु खा सकते हैं। इसके अलावा कई और काम है जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए। स्नान और दान से पहले भी कुछ काम है जो करना जरूरी है। स्नान और दान से पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए। पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़कनी चाहिए। साथ ही पूजा घर में रखी भगवान की मूर्तियों को भी साफ करनी चाहिए। पूरे घर में और पूजा स्थल पर धूप जलानी चाहिए। ऐसे में सूर्य ग्रहण के वक्त छाई हुई नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। पूजा घर में देवों की पूजा करने के साथ तुलसी के पौधों की भी पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान गणेश, बजरंगबली और सूर्य देव की आरती करनी चाहिए। बता दें कि ये सारी जानकारी ज्योतिष के जानकारों के आधार पर दी गई है। ऐसे में किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले अपने जानकार ज्योतिष से जानकारी जरूर ले लें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।